चेतावनी नहीं, पूर्ण रूप से हरियाणा की सब्जी और फल की मंडियां 20 दिसंबर को पूरी तरह से हड़ताल पर रहेगी, क्योंकि इस सरकार ने फल और सब्जी पर एक मार्केट फीस लगा दी गई है और 1% HRDF लगाया है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी 1.5 साल पहले कि सब्जी फल पर हम मार्केट फीस हटा रहे हैं। उसके बाद 6 महीने पहले उन्होंने फिर घोषणा की भी सब्जी व फल पर मार्केट फीस हटा रहे हैं, जबकि ये मार्केट फीस पिछली सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हटाई थी और इस सरकार ने दोबारा सब्जी व फल पर मार्केट फीस लगाई। इसी सरकार ने लगाई हुई मार्केट फीस हटाने की घोषणा की 1.5 साल पहले की, 6 महीने पहले की, और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी कहा कि मार्केट फीस 6 महीने पहले हड़ताल दी गई है और इससे 30 करोड़ रुपए का लाभ किसान व आढ़ती को मिलेगा। जब आप घोषणा कर रहे हो, दो बार घोषणा कर रहे हो, उसकी अधिसूचना आपने जारी नहीं की, अधिसूचना जारी करने के बजाय इन्होंने सब्जी व फल पर एक मुश्त टैक्स लगा दिया, साथ साथ 1% HRDF लगा दिया, जिसके कारण मंडी के जो आढ़ती, सब्जी मंडी के आढ़ती किसान पलेदारों में बड़ा भारी नाराजगी है और बड़ा भारी विरोध उनके अंदर है। ये खास बात है, इसलिए 20 सितंबर को पूरी तरह से हड़ताल रहेगी, मंडियां बंद रहेगी। और एक बात और कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2017 को GST लागू करने के समय ये वायदा किया था, एक देश एक टैक्स होगा, मगर GST के तहत 6 प्रकार के टैक्स लगा दिए, जो GST लगने के बाद मार्केट फीस हटानी चाहिए थी वो मार्केट फीस नहीं हटी। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी अपील है, वो अपने वादे के अनुसार जिस प्रकार उन्होंने अपने GST लगाया है, GST लगाने के बाद और कोई टैक्स नहीं होना चाहिए था, उसी पैटर्न के ऊपर आपके घोषणा के अनुसार सब्जी फल के साथ साथ हर अनाज के ऊपर मार्केट फीस केंद्र सरकार पूरे देश में हटाने का, तुरंत प्रभाव हटाने का निर्णय ले, ये जरूरी। अगर फिर भी सरकार नहीं चेती, आपकी मांग पूरा नहीं करती, तो अभी क्या? नहीं, हमने फैसला लिया है 20 दिसंबर को टोकन बंद करेंगे सब्जी मंडी, फिर भी सरकार नहीं चेती, पूरा हरियाणा व्यापार मंडल के नेतृत्व में पूरा हरियाणा बंद करके सड़कों पे व्यापारी उतरेगा, हट टेरगा और धरने प्रदर्शन करेंगे। ये जो जाति की गई है, जो नजायज टैक्स लगाया गया है, वो सरासर गलत है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मतलब जो है भ्रष्टाचार के साथ साथ अफसरशाही बढ़ेगी और भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यापारियों को तंग करेंगे, ये बड़ी भारी दिक्कत की बात है। एक बात मैं कह चाहता हूँ, करोड़ों अरबों रुपए टैक्स जनता देती है, करोड़ों अरबों रुपए टैक्स व्यापारी सरकार के खजाने में जमा करा रहा है, 30 करोड़ रुपए जब सरकार कहती 30 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ मिलना। और मैं बताना चाहता हूँ, जो टैक्स वसूलने के लिए सरकारी टीम लगती है, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी लगते हैं, HRDF के अधिकारी लगते हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा खर्चा तो जो टैक्स वसूलने में आ जाता है, क्योंकि सरकारी विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह है, गाड़ियों का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है और दुनिया भर के खर्चे सरकारी होते हैं, इससे ज़्यादा तो खर्चे आ जाते, कमाई कम खर्चा ज़्यादा, फिर भी ये नजायज तंग कर रहे हैं जो उचित नहीं है।